साडे देश नूं आजाद होए 76 साल हो गए, पर कई चीज़ां विच अजे भी सानू आज़ादी नहीं मिली। जिमें कि सरकारी दफ्तरां च आम लोकां लई धक्के, बद इंतजामियां, खजल खुआरियां। आज़ादी की जंग जिहड़ी सी, उह साडियां अगलियां पीढ़ियां की जिंदगी नूं सौखी करन वास्ते लड़ी गई सी, ना कि इस गल वास्ते कि साडे चाचे ताए प्यो दादे सरकारी दफ्तरां दे धक्के खाण। शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां जी दे सुपनिआं नूं साकार करन लई पंजाब सरकार ने फैसला किया कि पंजाब दे लोकां नूं हुण सरकारी दफ्तरां दे गेड़े नहीं कढ़ने पैणगे, सरकारी दफ्तर खुद चल के तुहाडे घर आउणगे। हुण सरकारी दफ्तरां दे चक्कर कट्टण दी लोड़ नहीं, बस डायल करो 1076 अते सरकारी सहूलतां अपने घर विच ही पाओ। पंजाब दी भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं हाँ तुहाडे नाल अमन लूना। सैक्टर 7 दे गोलीकांड दे मामले में पुलिस ने अज आरोपी दिनेश दा 2 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया है। हालांकि कुछ देर पहला ही एडवोकेट ने दे जरिए उन्हों कोर्ट च उसने सुरेंडर कर दिता सीगा, लेकिन उन्होंने एडवोकेट का यह कहना है कि भी वह बेकसूर है, वो महिला नाल रिलेशन सीगे, संबंध सीगे, तो इन्हां दी आपस लैन देन का मामला दस्या जा रहा है एडवोकेट वालों। लेकिन दूजे पासे पुलिस का कहना है भी इसने गोली चलाई है, ये वीरवार रात की घटना है, तो 1:30 बजे ये महिला के घर रात घुस गया। उन्होंने महिला कहता कि भी तेरे घर च उन्हें वाशरूम च बैडरूम च कोई इदा की गुप्त कैमरे या डिवाइस उन्हें लगा दी है जिंदी तस्वीर इस आरोपी दिनेश को है। लेकिन इसने इसी धमकी के तहत उन्हों अंदर घुस गया, जबरदस्ती की, जबरदस्ती का विरोध महिला करती है तो इसने उसके उपर गोली मारती, तो उस तो बाद दंदा नाल उदियां उंगलां भी कटियां गई। पड़ोसियों की मदद नाल महिला नूं PGI भर्ती कराया गया सी, ते हुण उहदे टांके 5 टांके उहदे लगे सीगे सिर ते, ते हुण उहनूं उत्थों दी छुट्टी मिल गई है। तुहानूं दस दईए अज दी खबर है दिनेश नूं अपना कोर्ट च सरेंडर कर दिता दिनेश ने, ते उस तो बाद पुलिस ने उहदा 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। रिमांड का आधार भी पुलिस ने यह बनाया गया है कि भी इस तो पुलिस ने पिस्टल रिकवर करनी है, पूरा वाकया पता करना है, इहदा की मकसद सी, इहदा गोली मारन दा की मकसद सीगा, महिला दे घर क्यों घुसया, क्यों नहीं घुसया। लेकिन दूजे पासे वकीलों का कहना है, जिहड़े इन्हां दे एडवोकेट गर्ग साहब हैं दिनेश दे वकील, उन्हां दा कहना है कि ये बिल्कुल बेकसूर है, ये मामला सिर्फ लैन देन दा मामला सी, ते ओह महिला ने सारा ये ड्रामा रचिया है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं हाँ अमन लूना। सैक्टर 7 के गोलीकांड के मामले में आखिरकार 3 दिनों बाद आरोपी दिनेश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिता है। साढ़े नाल मौजूद हैं दिनेश के एडवोकेट प्रदुमन गर्ग जी, इन्हां नाल गलबात करते हैं कि यह पूरा मामला आखिर की सी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। गर्ग साहब, एक क्या मामला सी गोलीकांड, इन्हें किदां गोली क्यों चलाई आखिरकार इन्हें, तो इहदे उपर आरोप लगे से भी ये गलत हरकत करना चाहता सीगा, तो उस तो बाद महिला ने इहदा विरोध किया, तो इस तो बाद इन्हें गोली चलन के उपर आरोप लगे हैं, इहदे मामले तुसीं की कहना चाहते हो? जिहड़ी सर सारी कंप्लेंट है जो महिला ने फाइल की है टोटली फॉल्स एलीगेशन लाई ने, इदा कुछ भी नहीं होया है। जिहड़े उन्हें पिस्टल भी दिखाई है कि पिस्टल गोली मारी है, खुद उन्हें अपने आप गोली मारी है, क्योंकि ये फाइनैशियल डिस्प्यूट है, असी वो तो काफ़ी पैसे रिकवर करने हैं, पैसे लेने हैं, वो उस चीज़ को अपनी स्किन को सेव करने लिए उन्हें साढ़े ते गल पाने लिए कि अच्छा जी इन्हें मैं झूठे फसा देनी है, उन्हें अपने आप से गोली मारी। तो सर ये डिस्प्यूट किस चीज़ का, पैसे किस चीज़ के, किस संबंध को लैके पैसे है? ये जी कोई अज की गल नहीं हैगी, बड़ा पुराना रिलेशन चलता है इन्होंने दोनों का आपस के, तो वह काफ़ी अपना ट्रांजैक्शन हुई ने, जो साडा क्लाइंट है उन्हें अपना पैसे भी अपना लोन लिता हुआ है, उन्हें पैसे दिते भी ने नाल अपना लोन दिता, इन्हों पैसे दिते ने, तो उस चीज़ों बचने लिए इन्हें सारा कारनामा किया। अदरवाइज टोटली जो अक्यूज है वो कोई भी इनवॉल्वमेंट नहीं हैगी, 55 साल का लेडी हैगी, 30-31 साल की। तो गर्ग साहब ये दसो, इन्होंने अज सरेंडर तुम करवा दिता, तो कि रिमांड मिले पुलिस को? अज रिमांड लैना उन्होंने, जज साहब ने 26 सैक्टर के जो अपना IO ने उन्होंने कॉल किया हो, IO आएगा तो अपना रिमांड लेगा, असं रिमांड में पोस्ट करा, क्योंकि नथिंग इज़ टू बी रिकवर्ड, जो साडा कोई अपना ये कोई इनवॉल्वमेंट है ही नहीं, असं तो अपना इनोसेंट परसन है, अज तक साढ़े तो कोई परचा नहीं है, बड़ा अपना साफ सुथरा रिकॉर्ड है, तो इस करके असं जो रिमांड है वह पोस्ट करा। ये साडे नाल प्रदुमन गर्ग जी, जिन्होंने दस्या भी उस महिला ने ही सारी यह कारनामा रचिया है, ये पिछे सिर्फ पैसों नूं लैके ही डिस्प्यूट चलता सीगा। चंडीगढ़ तो कैमरामैन नरिंदर सोनी के नाल मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा TV।